बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, द एजुकेटर्स, भदरी कैंपस, गुजरात, क्लास 8. दिस इज़ द लेसन ऑफ SST एंड टूडेज द टॉपिक इज द स्टोन एज. नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर पेज नंबर 13 एंड टूडेज द क्वेश्चन नंबर 6. सो सी द क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द आइस एज. आइस एज क्या है? How are people able to migrate to other continents? Or people other continents में जाने के लिए किस तरह able हुए, कैसे able हुए? And the answer is, Ice Age was an age when the ice at the North and South Pole expanded extensively and the temperature of the earth dropped. Ice Age एक ऐसी आई थी जब नॉर्थ से साउथ पोल में बर्फ़ गिरी तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा गिर गया. द आइस फ्रोज द ओशंस सो द अर्ली ह्यूमंस माइग्रेटेड टू वार्मर प्लेसेस. द मेन एम वाज सर्वाइवल. इस वजह से ओशंस भी जो हैं वो भी फ्रीज हो गए और लोगों ने वार्मर प्लेसेस में माइग्रेशन शुरू कर दी. वार्मर प्लेसेस में माइग्रेशन का जो मेन मोटिव था वो जस्ट ये था कि वो अपना सर्वाइवल कर सकें. मेन नेम यही था. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन द पैलियोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज. पैलियोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज के दरमियान कंपैरिजन करें. सो स्टूडेंट्स, सी द आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है कि अपने नोटबुक के ऊपर पेज के सेंटर में आपने एक मार्जिन ड्रा करना है. उसकी लेफ्ट साइड पे पैलियोलिथिक एज आपने लिखना है और पेज की राइट साइड पे जो पोर्शन बना है उसमें न्यूलिथिक एज लिखना है. और पैलियोलिथिक एज के नीचे पैलियोलिथिक एज के पॉइंट्स लिखने हैं आपने और न्यूलिथिक के नीचे न्यूलिथिक के पॉइंट्स लिखने हैं. आपने इस तरह अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन करना है. पैलियोलिथिक एज नंबर 1, द फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड द पैलियोलिथिक पीरियड और द ओल्ड स्टोन एज. जो सबसे फर्स्ट पीरियड था उसको पैलियोलिथिक पीरियड या फिर ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है. दूसरी साइड पे देखें न्यूलिथिक एज. नंबर 1, न्यूलिथिक पीरियड रेफर्स टू द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोन एज. न्यूलिथिक पीरियड आमतौर पर ऐसा पीरियड है जो कि स्टोन एज का लास्ट पार्ट, स्टोन एज के लास्ट पार्ट को हम न्यूलिथिक एज कहते हैं. नंबर 2 इज इट एग्जिस्टेड अबाउट 2.5 मिलियन ईयर्स अगो. पैलियोलिथिक एज क्या है कि ये 2.5 मिलियन ईयर्स अगो की एज को हम कहते हैं न्यूलिथिक एज. नंबर 2 इज इट स्टार्टेड इन अबाउट 10,000 BC एंड लास्टेड टिल अबाउट 4,000 BC. न्यूलिथिक एज 10,000 BC में स्टार्ट हुई और 4,000 BC में ख़त्म हो गई. नेक्स्ट अब देखें पैलियोलिथिक एज. पैलियोलिथिक एज में नंबर 3 क्या है? ड्यूरिंग दिस पीरियड स्टोन टूल्स वर यूज्ड बाय द अर्लीस्ट ऑफ द ह्यूमंस नोन एज होमो हैबिलिस. इस पीरियड में स्टोन के टूल्स यूज किए जाते थे और ह्यूमंस जो हैं वो होमो हैबिलिस के नेम से जाने जाते थे. न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक एज में नंबर 3 हमारा क्या है? ड्यूरिंग दिस पीरियड वी कैन सी द प्रोग्रेस इन एवरीवेयर. न्यूलिथिक एज में हर तरफ हमें प्रोग्रेस देखने को मिलती है एंड पीपल नोन एज होमो सेपियंस. और इस एज में जो लोग थे वो होमो सेपियंस के नेम से जाने जाते थे, यानी कि वो होमो सेपियंस जो हैं वो हमारी तरह के ही इंसान थे. सो स्टूडेंट्स, डू योर डायरी, स्टे सेफ एंड अल्लाह हाफिज़.